नाजीन महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि IMF कर्ज की किस्त तहाल नहीं मिली और बजट का महीना शुरू हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की, मगर ये रिलीफ आवाम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात साबित हुई। हुकूमत आवाम को रिलीफ तो देना चाहती है, मगर ना तो मौशी हालात ऐसे हैं और ना सियासी माहौल ऐसा है कि वो कुछ कर पाए। लिहाजा अब हल क्या है? हल इंतखाबात में है, मगर इंतखाबात भी दिल्ली दूर अस्त वाला मामला है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्टूबर में इंतखाबात होने की बात कर रही है, जबकि चेयरमैन PTM मौलाना फजलुर रहमान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इलेक्शन के लोग हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, जल्द नए इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िका फैसले ही हम करेंगे। हम इलेक्शन के लोग हैं, हमने 14 मिलियन मार्च किए या इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च किया, लाखों लोगों की इज्तिमात किए, उसमें हमने इलेक्शन ही की मुतालबात की, लिहाजा अब नए इलेक्शन होंगे। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पर खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। इलेक्शन की बातें तो हो रही हैं, मगर जराए दावा कर रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन तब होंगे जब तहरीक इंसाफ का नाम लेवा भी कोई ना होगा, और अगर तहरीक इंसाफ की बड़ी विकटें नहीं गिर पाती तो शायद इलेक्शन आगे चले जाए। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, रियासती इदारों के साथ पर हैं, और इदारों के तर्जुमान आपकी कारकर्दगी से मुतालिक मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग करने का पैगाम दें, बल्कि तनकीद ना करने के लिए 6 माह का वक्त भी लेकर दें, मगर उसके बावजूद आप मामलात ना संभाल सकें, आप एहतसाब के नाम पर इंतकाम में पड़ जाएं, पंजाब पर उस्मान बुज़दार जैसी शख्सियात को बिठा दें और खैबर पख्तूनख्वा को महमूद खान के हवाले कर दें, कभी किसी साबिक वजीर और कभी किसी साबिक वजीर आला और कभी किसी साबिक वजीर आजम को यक जुम्बिश लब जेल की सलाखों के पीछे भेजने के ऑर्डर करें। आपने रंगीला शाह का किरदार तो अदा नहीं किया, मगर उससे कुछ कम भी नहीं है, लिहाजा जब पानी सर तक पहुंचने लगा तो अदम एतमाद के जरिए आपको घर भेज दिया गया। आपने लाडले से बेएतबार होने और बेएतबार से नाकबूल होने का सफर बड़ी जल्दी तय किया। आपकी तकरीर, आपके बयानात और आपके बयानी की वजह से जहां मुल्की साख को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, वहीं रियासती इदारों के साथ 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। लिहाजा अब बेहतरी इसी में है कि गोशा नशीनी इख्तियार की जाए और रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ मजीद जहर फशानी ना की जाए, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसे काम सरजद हो रहे हैं जिसकी मुआफी नहीं। लिहाजा आप जो कहते थे घबराना नहीं है, तो सबसे पहले आप घबराना शुरू कर दें, ताकि आपको इस बात का इदराक हो कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं।